थोड़ा परली साइड हो जाए, परली साइड घूम जाए। नहीं जमीनी हकीकत बनाने में मुझे लगता है कि कामयाब होंगे, इसलिए हम जनता से 10 महीने का समय मांग रहे हैं और जींद की जनता ये आशीर्वाद देगी। ये चुनाव दिग्विजय और सुरजेवाला जी और मिड्डा जी के बीच में नहीं है, ये मोदी जी, राहुल जी और दुष्यंत जी के बीच में है। तो यहाँ के लोगों को अपने लाडले को चुनना है। वो दोनों लोग आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हरियाणा के लोगों को अपने आदमी को, हरियाणा के लोगों को अपने नेता को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा प्रयास। तारकोल बिछाने से विकास नहीं होगा, और सिर्फ सड़कों का मामला नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 22वें नंबर पर है। इसे हम पहले प्रथम स्थान पर लाना चाहते हैं। हमारी सरकार अगर कल को बनेगी तो उसकी राजनीतिक राजधानी और उसके जो विकास के पट और द्वार खुलेंगे वो जींद की धरती से खुलेंगे। मैं निस्वार्थ होकर के मैं ये कह रहा हूँ कि सारी जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हो गई। लठ दल अलग हो गया, लोक दल अलग हो गया, गरम दल अलग हो गया, नरम दल अलग रह गया। तो नरम दल एक अच्छी छवि, एक प्रोग्रेसिव छवि, एक विजनरी छवि, जो पार्लियामेंट में जाकर जो बातें दुष्यंत जी ने की आज लोगों के मन में समा गई, और मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए दुष्यंत जी को आगे बढ़ा। किससे मुकाबला मानते हैं? सरकार से मुकाबला, क्योंकि जो भी सत्ता में होता है उसको सत्ता में होने का फायदा जरूर मिलता है। सत्ता में बैठे लोगों से आज इस व्यवस्था से हम टकरा रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि आप इस मैंडेट के द्वारा, इस चुनाव के द्वारा ये बताइए कि पिछले 4.5 सालों से हम खुश नहीं हैं। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।